नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो लगातार पिछले 80 वर्षों से समाज को एक सुंदर संदेश दे रहा है कि स्वयं से जुड़ें, सर्वशक्तिवान से जुड़ें, ताकि समाज में एक मानव धर्म की स्थापना हो सके और किसी भी प्रकार का मतभेद न रहे, सभी आपस में स्नेह, सहयोग और सम्मान से रह सकें। इस मूल शिक्षा को देते हुए यह विश्वविद्यालय 133 देशों तक पहुंच चुका है और अपना इस वर्ष 80वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। इसी उत्सव में पधारे हैं जम्मू और कश्मीर विधानसभा के स्पीकर श्री कविंद्र गुप्ता जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके दिल की बातें भी जानते हैं कि इस सम्मेलन में आकर के उन्हें कैसा लग रहा है। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गुप्ता जी, विशेष करके आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आगमन हुआ, जो लक्ष्य है इसका विश्व परिवर्तन आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा, परमात्म ज्ञान द्वारा, तो यहाँ किस प्रकार के सम्मेलन की में चर्चा हो रही है आप लोगों के? ऐसा है कि इससे पहले भी जी मुझे समय समय पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ जाने का मौका मिलता है। और बचपन में भी एक दो बार मुझे, मैं पंजाब में था तो पंजाब से वहाँ पर इनके कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। कुछ प्रोग्राम बन नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं आपको धन्य समझता हूँ। और जिस प्रकार से ये लोग एक प्रयास कर रहे हैं, निश्चय ही दुनिया को परिवर्तन करने का एक तरीका है, उसमें अध्यात्म द्वारा और ध्यान द्वारा और अपनी गतिविधियों द्वारा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। जी जी, परिवर्तन सबसे कठिन लगता है व्यक्ति को, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। और जब हम एक संसार परिवर्तन की, व्यक्ति परिवर्तन की, समाज परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है। आपको क्या लगता है कि इसे होना चाहिए, ये समय की मांग है और इसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, है भारतीय परंपरा में हम चार युगों को मानते हैं जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। और ये भी हमारा मानना है कि कलयुग में लोगों में विकार बहुत ज्यादा आ चुके हैं और विशेषकर जो आज पश्चिम का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा है, तो निश्चय ही उससे एक अध्यात्म का जो रास्ता हमने अपनाया था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आज पूरा विश्व भारत की परंपराओं को अपनाना चाहता है और उसमें हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को हम भूल गए तो मुझे लगता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी संस्थाएं काम करने वाली हैं उसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की जो हमारी ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसको एक यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, तो यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक बातें बताई जाती हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, राजयोग सिखाया जाता है, कितना आप इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि व्यक्ति यदि इसे अपने जीवन में ले आए तो परिवर्तन, जिसे वो कठिन मानता है, सरल हो जाएगा और वो आसानी से अपने जीवन को शिखर की ओर ले जा सकेगा? ऐसा है कि सुबह मुझे इनका एक सेशन अटेंड करने का मौका मिला, तो एक बड़ी दीदी, मुझे नाम तो अभी स्मरण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से 1 घंटा 20 मिनट में उन्होंने इसके बारे में बताया तो अपने आप में एक अलग चीज थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अगर ध्यान लगाना चाहते हैं, अगर आप पद्मासन में ही बैठेंगे तो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप दुनिया में रहते हुए, इस सारी व्यवस्था के बीच में रहते हुए किस प्रकार से आपने अपने जीवन को परिवर्तन लाने का प्रयास करना है, तो जो बताया गया उसमें डिफरेंट मेथड्स और प्रेजेंटेशन करके जो स्क्रीन पर दिखाया गया, उसमें मुझे लगता है कि एक नया तरीका है और अच्छा तरीका है। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसके लिए सुख बनाना और इसको जानने की इच्छा उनमें जगाना, ये बहुत जरूरी है आज के इस दौर में। जी जी जी, मतलब इस प्रकार का यदि आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के जीवन में आए तो परिवर्तन सहज हो सकता है। जी, एक हर एक जो हमारा भारतीय नागरिक है राजनेताओं को बहुत ऊंची नज़र से देखता है और बहुत अपेक्षाएं रखता है, क्या आपको लगता है कि राजनीति में भी अध्यात्म का समावेश किया जाए, इसकी आज आवश्यकता है? राजनीति में धर्म और इसका अध्यात्म का समावेश होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती, इसलिए अपने उन मूल्यों को, जिसने लोगों ने आपको एक अपेक्षा करके यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बैठाया है, प्रकार से सम्मान करें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि आज एक फिर से हिंदुस्तान में एक दौर शुरू हुआ है कि लोग उन मूल्यों से प्रेरित जो राजनीति है उसमें विश्वास करने लगे हैं, तो आने वाला समय है। आज जैसे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में
एक नेता मिला है। गीता में भी कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात मानव सजामे हम। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तो कोई ना कोई अवतार यहाँ पर, जो भारतीय परंपराओं को हम भूलते जा रहे थे, आज फिर से उनको अपनाने की कोशिश की जा रही है। और स्वच्छ राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और मूल्यों पर आधारित राजनीति हो, मुझे लगता है आने वाला समय उसी का है। जी 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 जी। तो गुप्ता जी, क्या ऐसा लगता है कि यदि हमारे जो सदन में सत्र चलते हैं, चाहे वो विधानसभा है, चाहे राज्यसभा है या लोकसभा है, यदि शुरुआत ध्यान से हो, अध्यात्म से हो, तो वहाँ बहुत ही सकारात्मक चर्चा होगी और कई बार जो उठापटक की स्थिति देखने में आती है वो स्थिति नहीं होगी। ऐसा है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है योगा जी, किसी भी चीज को ध्यान लगा करके किया जाए तो उससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जो हमारे देश का जो मूल ढांचा है, कई लोग समझते हैं ये कोई हिंदू संस्कृति का काम है, ऐसा नहीं है। योगा सभी धर्मों के लिए है, सभी पक्षों के लिए है, सभी तरह के मानव के लिए है। इसलिए कोई भी चीज से अच्छी शुरुआत की जाए तो उससे निश्चय ही रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। आजकल ये संसद में भी और दूसरी जगह पर ये इस प्रकार की क्लासेस भी लगाई जा रही है, मुझे लगता है इससे निश्चय ही कुछ ना कुछ फायदा होने वाला। बिल्कुल। तो क्या जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहां पे भी आप राजयोग के माध्यम से जो एक सकारात्मक परिवर्तन आता है या मन शांत होता है, विचारों में एक उत्कृष्टता आती है, आपको बताना, इसकी शुरुआत करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान लगाना बहुत अच्छा रहता है जी जी। और वैसे भी अपने अंदर के जो विकार हैं, मन की शांति के लिए चीजें हैं, लेकिन समय धीरे धीरे बदलेगा, लोग इसको अपनाएंगे और निश्चय ही इसके फायदे क्या है उसको जब जानेंगे तो सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। बिल्कुल। एक दो चीजें हैं गुप्ता जी, एक है योग जिसको हम शारीरिक रूप से लेते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जा रहा है वो मन की चीज है कि मन शांत हो, संतुलित हो, मन के विचारों में विशालता आए या फिर वो गहराई आए जिससे आप उत्तम कार्य कर सकें। तो योग को तो प्रोजेक्ट किया ही जा रहा है भारतवर्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पे इसे रखा है, क्या राजयोग को भी इसी रूप से विश्व पटल पे नहीं रखा जाना चाहिए? मुझे लगता है हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं भटक रहा है और जो राजयोग की यहाँ की परिभाषा है उसमें यही है कि हमारा चहुमुखी विकास होना चाहिए, हमारे मन का विकास होना चाहिए, शरीर का विकास होना चाहिए, आत्मा का विकास होना चाहिए और बुद्धि का विकास होना चाहिए। शरीर का विकास इसलिए होना चाहिए कि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन, तभी उसका मन लग पाएगा। इसलिए ये चहुमुखी विकास की जो एक कल्पना है मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर जो ये मन को किस प्रकार से हमने कंसंट्रेट करके और ध्यान लगाना है, तो बहुत अच्छा सुबह मुझे कोई लगभग एक घंटा वहां बैठने का मौका मिला, तो निश्चय ही बहुत सी कुछ सीखने को मुझे वहां पर मिला। जी जी जी। तो क्या ये जो चीज आपने यहाँ पे सीखी उस चीज को वहां पे भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि वहां पे भी मैं ध्यान करता रहूं, तो यही अनुभूति जो यहाँ हो रही है वहां पे भी होती रहेगी? देखो, जो हमारी परंपरा है कि सुबह उठ करके हम जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ और करते हैं, इसी प्रकार से नहाने धोने के बाद एक भगवान की पूजा या मन ये ध्यान लगाने की बात करते हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। लेकिन किसी किन्हीं कारणों से आज हमने जो हमारा एक सिस्टम था कि जल्दी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक से मैन हेल्दी वेल्दी, आज लोग दो दो बजे सोते हैं और सुबह दो बजे उठते हैं, इस तरह की जो है कहीं ना कहीं हमारी ही परंपरा सही थी, इस बात को अपनाना होगा। और आजकल की जो आने वाली पीढ़ी है उस संस्कारों के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये संस्कार बच्चों के अध्यापक द्वारा, बच्चे की माँ द्वारा जब तक इसका एक इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है किसी भी काम में हाथ डाला जाए तो वो उसको हम सीधा कर सकते हैं। इसलिए आओ आज ये एक प्रयास करें कि संस्कारों के माध्यम से जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको सही रास्ते पर ला सके। बिल्कुल, मतलब एक सुंदर संस्कार सबके अंदर डाले जाएं और ये इसमें अध्यात्म बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया सभा को इस 80वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में, और वो यहाँ आ चुके हैं, बहुत अच्छी अनुभूति करके जा चुके हैं। यहाँ आपकी अनुभूति कैसी रही गुप्ता जी? देखो, जो भी संस्थाएं हैं वो भगवान को या अपनी आत्मा को भगवान तक उसके साथ मिलाने, शरीर तो एक अलग चीज हो गई, शरीर आता है जाता है, लेकिन आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना, ये हमारी, और यहाँ पर जो सिखाया जाता है, एक जो इनका सिस्टम है बड़े शांत स्वभाव से और बड़े डिसिप्लिन जो कार्यक्रम, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और यहाँ का डिसिप्लिन देख करके निश्चय ही मैं प्रभावित हुआ हूँ और इसके बारे में बताने की मैं और भी लोगों को कोशिश करूँगा। जी जी जी। जब आप विधानसभा में होते हैं
तो वहाँ जब कुछ शोर शराबा होने लगता है तो बहुत दिक्कत होती है सबको कंट्रोल करना, अपने आप को भी स्थिर रखना, शांत रखना, क्योंकि कई बार हम सदन की कार्यवाही देखते हैं तो हमें लगता है कि स्पीकर के लिए कितना टफ जॉब होता है सबको नियंत्रित करना और कार्यवाही चलाना। तो आप कैसे हैंडल करते हैं, आपका जो स्ट्रेस बस्टर है वो क्या है? तो मैं शांत स्वभाव का आदमी हूँ जी, और दूसरा जो भी मुझे कार्य मेरी पार्टी ने या हमारे लोगों ने दिया है उसको मैं बखूबी नवा सकूँ, इस प्रकार का एक मेरी कोशिश रहती है। बाकी जो अपोजिशन का रोल या टेरी बेंचेस का रोल होता है वो अपना अपना रोल होता है। मैं तो उनको कई बार कह देता हूँ हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना रोल हम दोनों अदा करते रहे, इस प्रकार की एक जो सोच है। उन्हें अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मेरा है कि सभी को साथ में लेकर के, क्योंकि जब अध्यक्ष की कुर्सी पर आदमी बैठता है तो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता है, इसलिए अपोजिशन को भी और ट्रेडिंग बेंचेस को लेकर के चलना प्रयास करता हूँ और उस प्रयास में काफी तक सफल भी होता हूँ। एक बहुत खास चीज आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं स्पीकर बना उससे पहले मैं विधानसभा के कमरे में आज तक नहीं गया था। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था और कुल मिलाकर के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। जी 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 जी, चलिए ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत ही आपकी जो शांति की विशेषता है वो सचमुच इसमें बहुत कारगर होती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है गुप्ता जी कि जितना वक्त इस खींचातानी में चला जाता है वो वक्त यदि एक सकारात्मक विचार विमर्श में होता तो देश का बहुत भला होता, इसीलिए ऐसा लगता है कि क्या ध्यान या आध्यात्म का थोड़ा पुट या समावेश किसी भी रूप में यदि हो तो स्थितियां बदल सकते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो भी सोच होती है वो कंस्ट्रक्टिव सोच होनी चाहिए, हम देश या प्रदेश को किस तरफ ले जा रहे हैं इस प्रकार की सोच होनी चाहिए जी। लेकिन आज राजनीति की स्थितियां बदली हैं, राजनीति बदनाम हुई है और अपने आप को नेता कोई शब्द कहे तो कुछ बुरा सा लगता है, लेकिन पिछले समय में और इस समय में चेंज आया है। आज पूरा देश का जो 65% नौजवान है वो प्रधानमंत्री को एक आदर्श मानता है। मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति अच्छी हो जाएगी अगर इस प्रकार की सोच लेकर के चलेंगे, विधानसभा हो चाहे वो कोई भी लोकसभा हो राज्यसभा हो, सकारात्मक सोच आ जाएगी जी। तो वक्त लगता है लेकिन ऐसी स्थितियां बदली हैं और आगे भी बदलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कई युवा जैसे आपने खुद स्वीकार किया कि इस फील्ड में आने से कतराते हैं, लोग आने से कतराते हैं, स्थितियां खैर बदल तो रही हैं, लेकिन क्या एक कारण बन गया आपको लगता है कि राजनीति के पास जाना लोगों को थोड़ा सा डर या फिर उसे एक अनिश्चित स्थिति के रूप में लेना, ये क्या कारण? मेरा ये मानना है कि जो लोग इस देश में राज करते रहे उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दूसरी बातों पर लोगों को बांटा है। आज भी देश की आज़ादी के 70 साल बीत जाने पर हमारी हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है कि हम किन लोगों के गुलाम रहे, हम किस कब कब गुलाम रहे, इसी तरह का पढ़ाया जाता है। अपने जो महापुरुष हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता। एक बात आपको बिल्कुल साफ सुथरी कहना चाहता हूँ, गांधी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन एक गीत चलता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा नहीं था, इस देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है जिनका इतिहास में नाम नहीं आता जी, जी। अगर हम अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति अपना विचारधारा थी उसको भूलते जाएंगे तो निश्चय ही आज कहीं ना कहीं उन लोगों को भुलाने की कोशिश की गई। शिवाजी को पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप को डाकू, गुरु गोविंद सिंह को लुटेरा, इस प्रकार के भी किताबों में लिखा गया, जबकि वो हमारे सम्माननीय है। इस बारे में सोचना होगा, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात लगातार होती रही है, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब भी प्रयास किए गए हैं लेकिन वो परिवर्तन नहीं आ पाया, और जिस बात को आप कह रहे हैं मैं भी इस पे विश्वास रखता हूँ कि जिन मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चों में जिस चरित्र का निर्माण होना चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं अभी भी गायब हैं। यदि हम वो शिक्षा नहीं देते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम आदर्श और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में कैसे? अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल उसको अपनाया जी। हमारा जो मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, इस प्रकार की चीज़ को हम कहीं ना कहीं भूले हैं जी। इसलिए मैंने पहले ही कहा डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम अंग्रेजों ने अपनाया उसके कारण से ही इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं। देश के राजा गुलाम हुए होंगे, इस देश के जनता कभी गुलाम नहीं हुई। वही कारण है कि आज भी हम
जो हमारी जनता है, अलग भाषा अलग भेष, फिर भी अपना एक देश जी, कश्मीर जी। हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस प्रकार की जो सोच है उसी ने इस देश को जोड़े रखा है। जी जी जी। तो क्या शिक्षा नीति में एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होती गुप्ता जी, कि जो चली आ रही है वही हम चला रहे हैं? जो मैं राजस्थान की बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं पंजाब में और जम्मू कश्मीर में पढ़ा हूँ। वहां पर धर्म शिक्षा नाम का भी एक सब्जेक्ट, एक पीरियड होता था, आज उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको खत्म कर दिया गया। आज फिर से धर्म शिक्षा, जब पहले गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे तो जो बेसिक हमारा चीजें हैं उनको सीखते थे, आज भी उस धर्म शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा नीति में अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ये चीजें भी सिखाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक बच्चा बचपन से, क्योंकि कच्चे घड़े पर जो चित्रकारी की जाएगी वो पकने पर उसी तरह से अमिट रहने वाली है, लेकिन आज से ही उसका प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को अपनाने का प्रयास करें। उसके बाद जो बाकी शिक्षा है जो आगे लेकर हमारे काम आने वाली है, सबसे पहले बेसिक जरूरी है। बिल्कुल, ब्रह्मा कुमारी लगातार प्रयास कर रही है गुप्ता जी की, चाहे वो स्कूल स्तर पे हो, विद्यालय स्तर पे हो, विश्वविद्यालय स्तर पे हो, वहाँ के सिलेबस में भी मूल्यों को जोड़ा जाए। और कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके ब्रह्मा कुमारी ये प्रयास कर रही हैं, उसे इम्प्लीमेंट भी किया गया, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्या सरकार इस दिशा में प्रयास कर सकती है कि इस मूल्य शिक्षा को जो ब्रह्मा कुमारी दे रही हैं और मानव निर्माण के लिए दे रही हैं, उसे सिलेबस में शामिल किया जाए, तो स्थितियाँ बहुत बदल सकती हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और सभी देश के नागरिकों को मिलकर के इस प्रकार का एक प्रयास करना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसका फोकस हमारे राष्ट्र की तरफ होना चाहिए। ये राष्ट्र जो, उसको विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण से हम पीछे हटे हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लोग बाहर जाते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते हैं। मुझे लगता है कि सभी मिलकर के प्रयास करेंगे इस देश को आगे ले जाने का, तो निश्चय ही अब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। जी 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 जी। चलिए, ये दिन जल्दी से जल्दी आए, इसी के लिए सभी का प्रयास है, चाहे वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है या सरकार है। हाँ, ये एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता तो होती ही होती है। आपके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे गुप्ता जी, और कई बार ऐसी स्थिति भी बनी होगी कि भाई अपने मूल्यों के साथ हमें समझौता करना पड़े, तो ऐसी स्थिति हर एक के जीवन में आती ही है। लेकिन जो सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, जिस शिखर पे आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है दृढ़ता की आवश्यकता है। कैसे व्यक्ति अपने मूल्यों को कायम रखे, क्योंकि समाज में चारों तरफ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें और परिस्थितियां बन गई हैं कि व्यक्ति को अपने मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। ऐसा है, जब भी कोई राजनीति में आता है, सबसे पहले तो उसको अपनी लीडरशिप पे विश्वास होना चाहिए। जी, अगर उसको अपनी लीडरशिप पे विश्वास नहीं है तो चुप करके घर बैठ जाना चाहिए। मैं 1975 से राजनीति से जुड़ा हूँ, जब मैं केवल 13 साल का था, और उस वक्त मैंने, जो देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी द्वारा, उसको मैंने 13 महीने जेल काटी थी, सबसे छोटा तब मैं था। उस वक्त से राजनीति से लगा हुआ हूँ। विद्यार्थियों में मुझे काम करने का मौका मिला, युवाओं में काम करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी 1980 में लगातार मैं काम कर रहा। बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन एक भगवान पर विश्वास किया कि शायद इस समय यही अच्छा होगा, तो इसको मानना पड़ा। कभी पार्टी के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन पार्टी गलत नहीं होती, ऐसा मेरा मानना रहा। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, अगर सच होता तो मैं 1996 में एमएलए होता। मुझे भगवान ने 3 बार महापौर रहने का मौका मिला, और उस परिस्थिति में मैं रहा जब मेरे पास बहुत कम लोग थे, लेकिन लोग मुझे वोट डालते थे, वो भी भगवान की कृपा है, इसलिए मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। और मुझे लगता है कि तो आप अपनी सफलता का पूरा पूरा श्रेय ईश्वर को देते हैं। हाँ बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं, जी जी, कई लोग ऐसे हैं कि ईश्वर को, चूंकि वो अदृश्य हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करते कि ईश्वर। मेरा मूल मंत्र ये भी है, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। जब इस प्रकार की सोच को लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है पद आते हैं जाते हैं, लेकिन आदमी सही रहना चाहिए इस प्रकार की सोच। आप तो बिल्कुल गीता के योगी की तरह स्थिति प्रज्ञ स्थिति में स्थित हैं। लेकिन मैं जिस बात को उठा रहा था गुप्ता जी, कि ईश्वर परम सत्ता है, हमारे पिता हैं, इस बात को हम सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा उनसे कनेक्शन हमारा कट गया है। मतलब ऐसा कि वो हैं कौन, कहाँ रहते हैं, और हमारा उनसे जो नाता है वो रिलेशन हम फील नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि अध्यात्म और मेडिटेशन एक माध्यम हो सकते हैं उस परम सत्ता से जुड़ने का, और उसके बाद जीवन कुछ और हो सकता है? पुरातन समय में उसका कोई महत्व होता था? पहले सभ्यता, संस्कृति और भगवान के साथ किस प्रकार से मिलना है,
वो सिखाते थे जी। उसके बाद जो जीवन में आने वाली शिक्षा है उसको बताया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं समय के चलते चलते इस पर प्रभाव तो हुआ है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहना चाहिए। बार बार यही बात कहता हूँ, अध्यापक और माँ जी एक ऐसा साधन बन सकती है। माँ लोरी सुनाती है, अगर वो शिवाजी महाराज की बात सुनाएगी बच्चे को सोते समय, महाराणा प्रताप की बात सुनाएगी, तो निश्चय ही हमारा ये मानना है कि जो बच्चा उस वक्त ध्यान लगाकर सुन रहा होता है तो उसमें जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। जी जी जी, यही जो सिस्टम हमारे दैनिक जीवन में बने, तो मुझे लगता है कि हमारे नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि होगी और हमारी शिक्षा में भी वृद्धि होगी, और भगवान के साथ जो मिलने का एक इच्छा रहती है वो भी पूर्ण होगी। ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन करना सिखाया जाता है, जिसकी अनुभूति आज सुबह आपने भी की। तो क्या ये एक सुंदर माध्यम हो सकता है कि परमात्मा से जुड़ा जा सके, उनसे बात किया जा सके और अपने आप को एनलाइटन करके समाज को 100% अपना दिया जा सके? आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम ब्रह्म कुमारी द्वारा किया जा रहा है बहुत अच्छा कार्य है, और मैं यहाँ देखता हूँ हर आयु के लोग यहाँ पर, चाहे वो हमारी बेटियाँ हों चाहे युवा हों, उसमें आने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आज लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, कल से मैं इसको पूरी तरह से नज़दीक से बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ईश्वरीय कार्य है, इसको ईश्वरीय कार्य को आगे ले जाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए आप यहाँ आए और अपने सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटा, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आप असेंबली में भी बहुत अच्छी तरह से सभी को शांति से रखते हुए इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और इतने अच्छे देश को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं जी, तो पिछले बीफ का मुद्दा उठा था, तो मैं लास्ट बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हिंदू हूं, तू मुस्लिम है, हैं दोनों इंसान, आ तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं तेरी कुरान, लेकिन साथी दिल में बस एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। इस प्रकार की सोच लेकर चलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस इसी सोच की आवश्यकता है, तो पूरा देश एक रहेगा और फिर से हम भारतवर्ष को विश्व गुरु, आध्यात्मिक गुरु बना पाएंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप थे श्री कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष। सुंदर विचार इन्होंने हम सबके सम्मुख रखे हैं मित्रों, कि पुनः उसी गुरुकुल परंपरा को लाने की आवश्यकता है आज, ताकि हम वैसी ही स्थिति पैदा कर सकें जैसे कि प्राचीन काल में थी। प्राचीन काल में वो स्थितियां, जो भले ही आज के विकास के दौर की हम बात करते हैं तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन मूल रूप से व्यक्ति अपने आप से जुड़ा हुआ था, समाज से जुड़ा हुआ था और एक दूसरे की भलाई और कल्याण के विषय में सोचा करता था। और ये स्थिति सचमुच अध्यात्म और ध्यान सहज रूप से हमारे अंदर पैदा कर देते हैं, और जब ध्यान के माध्यम से हम परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तब तो हमारी स्थिति और भी व्यापक और विशाल हो जाती है। हमारी जो दृष्टि है वो भी विशाल हो जाती है, हम धर्म जाति भाषा से ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे कविंद्र जी लास्ट में कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है, धर्म की दीवारें कोई चीज नहीं रह जाती, जब उस परम शक्ति से हम जुड़ जाते हैं तब मानव धर्म रह जाता है। और इसी मानव धर्म की आज सबको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसी धर्म के द्वारा हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। तो आए इस ओर अपना एक कदम अवश्य बढ़ाएं। पुनः एक नए मेहमान के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Thank you.